हेलो लिटिल स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का डेलो पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं RBSC क्लास 5 चैप्टर नंबर 5, जिसका टाइटल है लेट्स प्ले गेम्स। चलो खेल खेलते हैं, आओ खेल खेलते हैं, लेट्स प्ले गेम्स, चलो खेल खेलते हैं। खेल का नाम सुनते हैं मुझे पता है आप लोग बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी आपके अंदर आ जाती है। एक तरह से आप फुली जील और एंथुजियाज्म के साथ में आप सुनते हैं कि सर क्या कह रहे हैं, कि काश ऐसा स्कूल के अंदर कहते कि चलो खेल खेलते हैं तो मज़ा ही कुछ और था। लेकिन अपना चैप्टर यही है, तो इस चैप्टर के थ्रू अपन ये जानेंगे प्यारे बच्चों कि राजस्थान के अंदर या इंडिया के अंदर कौन कौन से गेम्स खेले जाते हैं, ट्रेडिशनल गेम्स कौन कौन से हैं, परंपरागत जो आपके पूर्वज खेलते थे, दादा परदादा जो भी थे, और आजकल के जो मॉडर्न गेम्स के अंदर फिर इनके अंदर भी हम इनको डिवाइड करेंगे कि इंडोर गेम्स कौन से होते हैं, आउटडोर गेम्स कौन से होते हैं जो घर के अंदर बैठ के हम आसानी से खेल सकते हैं, या जिनके कुछ गेम्स ऐसे भी होते हैं जो प्ले ग्राउंड में ही खेले जाते हैं। तो इस तरीके से गेम्स के बारे में पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे इनसे हमारी बॉडी के लिए कैसे बेनिफिशियल हैं, किस प्रकार हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं, ये सारी चीज़ें जानेंगे। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं देरी किए बगैर, देखें सबसे पहले देखो क्या कहता है, लेट्स प्ले गेम्स, चलो खेल खेलते हैं। ऑब्जेक्शंस, वेरियस टाइप्स ऑफ गेम्स। सबसे पहले हम देखें यहाँ पर किसी बच्चे की बुक है जिसके थ्रू मैंने PDF कवर किया है, जिसमें लिख भी रखा है वेरियस मीन्स क्या होता है, विभिन्न अलग अलग टाइप्स प्रकार गेम्स खेल, विभिन्न प्रकार के जो खेल हैं, अलग अलग प्रकार के जो खेल हैं उनके बारे में जानते हैं सबसे पहले। तो देखो क्या कहता है, इन राजस्थान मैनी गेम्स आर प्लेड इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट। राजस्थान जो राज्य है अपना, अपना राज्य कौन सा है आप सभी को पता है, राजस्थान जो अपना राज्य है, तो राजस्थान अपने राज्य के अंदर कहते हैं बहुत से जो गेम्स हैं, बहुत से जो खेल हैं आर प्लेड, वो खेले जाते हैं इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तौर तरीक़ों से खेले जाते हैं, और डिफरेंट पार्ट्स के अंदर खेले जाते हैं, और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भागों में खेले जाते हैं। तो कहते हैं अपने राज्य राजस्थान के अंदर जो गेम है वो काफ़ी बहुत से गेम खेले जाते हैं, खेल खेले जाते हैं, अलग अलग उनके तौर तरीके नियम होते हैं, और अलग अलग क्षेत्रों या पार्ट्स जो भाग हैं अपने राज्य के उसमें खेले जाते हैं। देर आर सम ट्रेडिशनल गेम्स विच कैन बी प्लेड वेरी ईजीली विदाउट मच एड्स, लाइक मरदारी, सीतोला, गिल्ली डंडा, छुपा छुपाई, पकड़ा पकड़ाई एसेट्रा। देखो यहाँ पर क्या कहता है आपको, कहता है देर आर सम ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल परंपरागत, देखो किसी बच्चे की बुक लिख भी रखा है, तो कहता है कि कुछ जो खेल होते हैं परंपरागत, इट मीन्स आप कुछ समझ पाए कि परंपरागत क्या होता है, परंपरागत होता है जो पीछे से हमारी जो पीढ़ियाँ हैं, जो जनरेशन जो खेलती आ रही है, परंपराओं के आधार पर जो चला आ रहा है वो खेल जो अभी भी चले आ रहे हैं। कुछ खेल तो ट्रेडिशनल्स होते हैं विच कैन प्लेड वेरी इजीली, जिनको आसानी से खेला जा सकता है, विदाउट मच एड्स, बिना किसी ज़्यादा सहायता के, एड्स में सहायता हेल्प का एक सिनोनियम से यहाँ पर। तो कहता है कुछ गेम ऐसे होते हैं जिनको जो परंपरागत गेम है जिनको आसानी से हम खेल सकते हैं बिना किसी सहायता के, जैसे मर्दारी का गेम हुआ, आप देखते होंगे गाँव के अंदर रूरल एरियाज में आपने खूब देखा होगा बंदर को डांस वगैरह करवा करके इस तरह से आपको खेल के दिखाया जाता है, सीतोलिया हुआ आपने देखा हो तो ग्रुप के अंदर आप सर्कल बनाकर बैठ जाते हैं, जिसको पीछे से एक आपका जो कोई भी जो होता है जिसका गेम का टर्न चल रहा होता है वो आपके पीछे से कपड़े का कुछ बना करके आपके मारता चलता है इस तरीके से, गिल्ली डंडा आपने खेला होगा आई थिंक, छुपा छुपाई तो हाइड एंड सीक जिसको आप बोलते हैं वो आप खेलते हैं, इस दिनों लॉकडाउन के दिनों में आप काफ़ी खेल रहे होंगे, पकड़म पकड़ाई भी आप खूब खेलते हैं एसेट्रा। ये तो कुछ ट्रेडिशनल गेम हुए, कैसे गेम हुए परंपरागत, जो का ये गेम परंपरागत का मतलब आप समझे ये वो गेम है जिनको आपके दादा ने भी खेला, आपकी दादी ने भी खेला कहीं ना कहीं अपने जो बचपन में, आपके पापा ने, आपके चाचा ने, इस तरीके से वो और आप भी खेल रहे हैं, तो ये कैसे हो गए ट्रेडिशनल गेम्स हो गए, परंपरागत खेल हो गए। अदर गेम्स लाइक चरभर, चौपड़, सिंह बकरी, अष्टचंग एसेक्ट्रा इंडोर गेम्स विच आर फुल ऑफ फन एंड कैन बी प्लेड वेरी इजीली सिटिंग ऑन चबूतरी एंड आंगन। देखो यहाँ पर क्या कहता है आपको, देखो क्या कहता है जेंस, कि इनके अलावा अदर गेम्स भी हैं, कुछ अदर गेम्स अन्य जो खेल हैं जिनमें चरभर आपने देखा होगा जो डंडी वगैरह लकड़ी की लेकर के उनसे कुछ खेला जाता है, चौपड़ हुआ, सिंह बकरी हुआ, और अष्टचंग हुआ, ये कुछ ऐसे गेम्स हैं, ये इंडोर गेम्स के अंदर इनको इंक्लूड किया जाता है। इंडोर गेम्स किनको कहा जाता है, वो गेम्स जो घर के अंदर खेले जाएं, जिनके लिए इट मीन्स जिनके लिए प्ले ग्राउंड की आवश्यकता ना हो, विच आर फुल ऑफ फन एंड कैन बी प्लेड वेरी इजीली सिटिंग ऑन चबूतरी आंगन। कहता है इनको बड़े ही मौज मस्ती के साथ में, फुल ऑफ फन के साथ में खेला जाता है, एंड कैन बी प्लेड वेरी इजीली सिटिंग, और इनको आप आसानी से किसी चबूतरी घर की या घर के आंगन में बैठ कर खेल सकते हैं, इनके लिए किसी प्ले ग्राउंड की आवश्यकता नहीं होती, जैसे क्रिकेट है उसको खेलने के लिए मैदान चाहिए, लेकिन आपको चर भर खेलने के लिए, छुपन छुपाई खेलने के लिए मैदान की आवश्यकता थोड़ी ना होती है।
ऑन द ओकेजन, ओकेजन मीन्स अवसर मौका, ऑन द ओकेजन ऑफ फेस्टिवल्स, फेस्टिवल त्यौहार, कहते हैं त्यौहारों के अवसर पर, त्यौहारों के मौके पर, स्पेशल स्पोर्ट्स जो होते हैं आर बीइंग ऑर्गेनाइज इन डिफरेंट रीजन्स, रीजन्स क्षेत्र, कहते हैं त्यौहारों के जो मौके होते हैं, अवसर होते हैं, जैसे अभी तीज आने वाली हैं, रक्षाबंधन आने वाली, तीज जा चुके हैं ऑलरेडी, रक्षाबंधन आने, देखो इसमें जो काइट फ्लाइंग की जाती है, पतंग उड़ाई, तो ये कुछ स्पेशल स्पोर्ट्स होते हैं जो उसी के आसपास मनाए जाते हैं, खेले जाते हैं। तो कहता है कि त्यौहारों के अवसर पर, मौके पर जो स्पेशल स्पोर्ट्स होते हैं, विशेष जो खेल होते हैं, वो उनका संगठन किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है अलग अलग क्षेत्रों में राजस्थान के। जैसे देखिए हम एग्जाम्पल ग्रेशिया, हम देखो क्या बता दो उदाहरण के तौर पर, ऑन ओकेजन ऑफ मकर संक्रांति, प्यारे बच्चों क्या कहता है कि मकर संक्रांति का त्यौहार आया तो उसके अवसर पर क्या मैंने कौन सा खेल खेला जाएगा, सितोलिया, कहाँ पर, मेवाड़ के अंदर, मेवाड़ जो अपना क्षेत्र, वो कौन सा क्षेत्र है, जो अपना जो उदयपुर डूंगरपुर वाला जो क्षेत्र उसको बोला जाता है, वहाँ पर क्या खेला जाता है मकर संक्रांति की आसपास जो उस वहाँ पर खेला जाता है सितोलिया, काइट फ्लाइंग इन वागड़, और जो काइट पतंग उड़ाई जाती कहाँ पर हम देखें तो वागड़, वागड़ डूंगरपुर का जो एरिया है उसको बोला गया है, वहाँ पर काइट पतंगें उड़ाई जाती हैं। और मारवाड़ जो है, इट मीन जोधपुर जो है, मॉडर्न जो जोधपुर जिसको मारवाड़ बोला गया, और इसके अलावा जो ढूंढाड़ है, ढूंढाड़ जो आमेर और जयपुर का एरिया है, वहाँ पर पतंग उड़ाई जाती है, इन्हें मकर संक्रांति के आसपास आप देखते होंगे मकर संक्रांति काफ़ी पतंगें जो हैं उड़ाई जाती हैं। तो इस प्रकार ये क्या हो गई, स्पेशल स्पोर्ट्स गेम हो गए जो किसी फेस्टिवल के ओकेजन पर ही क्या किए जाते, प्ले किए जाते हैं। और किसने आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, उस चैप्टर को समझ पा रहे होंगे किस तरह आपसे बिहेव कर रहा है चैप्टर, आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। आगे देखिए क्या कहता है, थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन आपको सोच विचार करने के क्वेश्चन दिए गए, आप सोचें उनको पढ़ें देखें, विच गेम्स आर प्लेड यू इन योर विलेज सिटी, आपके गांव में शहर में कौन से खेल खेले, और विच गेम्स डू यू लाइक टू प्ले, कौन सा खेल आपको, इस तरीके से आप इनको देखें और खुद करें। आगे देखो यहाँ पर, लुक एट द फॉलोइंग फिगर्स एंड डिस्कस अबाउट दैम, ये कुछ नीचे फिगर्स दिए गए, चित्र दिए गए, इनके बारे में आप देखें और इनको अबाउट फिर आप डिस्कस करें, जैसे बिलियर्ड्स हुआ, इसके अलावा चेस हुई, शतरंज हुई, आर्चरी हुई, तीरंदाजी जिसको बोलते हैं तीरंदाजी आपने देखा होगा, कबड्डी, और इसके अलावा ये है रेसलिंग। तो इस तरीके से ये कुछ गेम्स हैं जो कुश्ती खेल वगैरह, तो ये कुछ स्पोर्ट्स की क्या हो गए, टाइप्स हो गए, वेरियस टाइप्स ऑफ गेम्स हो गए, इस तरीके से हम ये बोलते हैं, इनमें से इंडोर भी और आउटडोर दोनों को इंक्लूड किया गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ क्यूरी है, कोई डाउट है तो पूछिएगा जरूर कमेंट सेक्शन के थ्रू, और अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ में, कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं कल आपसे फिर दोबारा से इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, तब तक के लिए गुड बाय।